वेलकम बैक टू माई चैनल सिद्धार्थ डेली ब्लॉग्स। दोस्तों ठंडी बहुत बढ़ गई है। आज ठंडी बढ़ जाने के कारण मैं जा भी नहीं पाया पार्क, और इतनी ठंडी में वैसे निकलेगा भी कौन, है ना यार। रजाई में घुस के सोने का मज़ा ही अलग है, तो लगता नहीं, लेकिन फिर भी अब क्या करूँ तो हो ही गया। दोस्तों आज हमारे यहाँ सूजी की इडली बन रही है। हमारी मिसेस जा रही हैं नाश्ता रेडी करने, वो तो आज सुबह हमसे पहले उठ गई थी। ऐसा तो मैं ही उठता था, लेकिन आज वो उठ गई हैं पहले। और चलिए दिखाते हैं सूजी की इडली आप लोग को। देखिए दोस्तों, अभी मैं नीचे आ गया हूँ रूम से, और इधर फिर आज सुबह सब लोग मेरे यहाँ उसको अलाव जला के बैठा हुआ है। सब लोग बिना इसके अब रहा ही नहीं है दोस्तों। ये देखिए मम्मी तो हमारी पूरा काम और मार के बैठ गई है। यार ठंडी लग रही है क्या? और ठंड लग रही है। हाय, सुबह नाश्ते में इडली बनने की तैयारी हो रही है। ये सूजी की इडली बन रही है, और ये नारियल की चटनी बनने जा रही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी इडली गई, इसको क्या बोलते हैं, इडली के सांचे, इडली के सांचे में। और ये देखिए मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। दोस्तों आपने देखा कि इडली बन रही है। अभी अब मैं जा रहा हूँ नहाने। दोस्तों अभी मेरा नहा के हो चुका है, और अब मैं जा रहा हूँ नीचे नाश्ता करने। तो ये देखिए, मुझे भुने चने की चटनी ज़्यादा पसंद है, पर क्या करूँ, ये नारियल की चटनी भी है, ज़बरदस्ती दे रही है खाने को। बाकी देखता हूँ खा के कैसा लगता है, अब बताता हूँ आप लोग को। ये देखिए दोस्तों, हमारी इडली निकल चुकी है, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये नारियल की चटनी है, और ये है हमारे भुने चने की चटनी, और ये इडली है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितने सॉफ्ट बनी है। ये देखिए दोस्तों, कितने आराम से टूट रही है। ये देखिए, अब मैं आप लोग को खा के बताता हूँ कि ये बना क्या। दोस्तों पहले मैं इसे नारियल की चटनी के साथ खाता हूँ। अच्छी लग रही है दोस्तों। और अब दोस्तों मैं इसे भुने चटनी के, चने के चटनी के साथ खाता हूँ। दोस्तों दोनों ही चटनी बहुत अच्छी है, बट मैं अभी तक केवल भुने चने की चटनी करता था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरी मिसेज ने ये नारियल की चटनी जो बनाई है, बहुत ही बेस्ट है। तो ये दोस्तों प्लीज आप लोग भी अपने घर में नारियल की चटनी ट्राई करें, और इडली खाएं, एंजॉय करें, मस्त रहें, हैप्पी रहें, ठंडे का मजा लें, और अपना आशीर्वाद सदा मुझ पर बना के रखें। धन्यवाद दोस्तों।